तो अभी हम लोग उधर से तिलक तक के आ गए, अब जा रहे छत पे तो वहाँ दिखाते हैं। और ये छेना है और ये छेना खाने वाले हैं सब। कौन कब यस दोस्तों, तो जा रहे खाना खाने और आइसक्रीम भी दे। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, रेडी होके जा रहे हैं कहाँ, बाहर तिलक देखने। तो आप लोग अभी दिखाते हैं, चलिए। है ना गोपाल जी, बोलो कि। और अपना कुर्ता तो नहीं दिखाया तुम, जल्द से अपना कुर्ता दिखा रही। मरून कुर्ता, मरून साड़ी फेमस नहीं है, मरून गोपाल जी के पर कुर्ता फेमस है ना गोपाल जी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस तिलक देखने, चलो सबको रेडी होके चल। तभी हम लोग सब लोग रेडी होके जा रहे हैं पेस्की देखने, तो वहां पे मिलते हैं हम लोग से। तो आज हम बताते हैं कि हम आए थे किसके तिलक में। बहुत सारे लोग को पता है कि हम किसके तिलक में आए थे, तो मेरे फुआ के बेटे हैं उनका तिलक था और ये हो रहा था, मतलब इनका शादी था उकरी। उकरी बहुत सारे लोग को पता है कि उकरी कहाँ पड़ता है, तो उकरी साइड ही धोबड़ी है वहीं से। और तिलक आया हुआ था हमारा मोकर, बहुत लोग जानता है मोकर कहाँ है, मोकर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। तो तिलक वहीं से आया हुआ था, तो भैया का तिलक चढ़ रहा था, बज रहा था लगभग 7 से 8 के आसपास हो रहा था उसी टाइम तिलक चढ़ रहा था। तो ये इधर भैया बैठे हुए हैं और ये बहुत सारा हम क्लिप ले नहीं पाए क्या कि इस लाइन से पंडित जी बैठे हुए थे। अभी पंडित जी को कौन हटा सकता है और हम भी नहीं हटा सकते भाई। तो कुछ कुछ क्लिप लिए थे, फिर ये भैया लोग हैं, ये फूफा है, ये दो बच्चा है वो तिलक के साइड से आया हुआ था। तो 18 को भैया का तिलक था और 21 को बारात है। तो ये तिलक और इस दिन वाला लगन भी भाई बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, बहुत लोग का सुन रहे थे 18 तिलक 21 बारात। तो हम वहीं गए हुए थे और बहुत टाइम के बाद हम किसी का शादी में गए थे, हमको तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा मतलब बता नहीं सकते। एकदम प्योर गाँव का देखने के लिए भी मिला। और ये गोपाल जी एकदम शूट मेरा कर रहा था, गोपाल जी वहाँ पर हम नहीं कर रहे थे, हमको लाज बढ़ रहा था। तो गोपाल जी बोला लाओ फुआ हम ले दे, तो गोपाल जी सब कर लिया, साथ साथ हमरे ले लिया। अब बोल भी रहा था फुआ एकदम गुलाबी फराक में बड़ी बढ़िया लग रही है, मन तो तृप्त हो गया उससे ये सुन के। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे तिलक हो रहा है, यहाँ पे क्या तो बोला भी जाता है कि क्या तो होता है, हमको पता भी नहीं कि कौन कौन सा रस्म क्या होता है, बट ये तिलक चढ़ रहा है। और शादी का सबसे अच्छा चीज़ हमको क्या लगता है कि कैमरा मैन एकदम तैयार रहता है, भैया इधर भैया इधर भैया इधर। मेरा भी ब्याह होगा तो ऐसा ही खुशी होगा कि भाई एकदम चारों तरफ कैमरा मैन, हम तो 4 गवाह एक्स्ट्रा रख लेंगे। मैम इधर मुड़िए, मैम उधर मुड़िए, मैम इधर देखिए, एकदम जितना जो सेल्फी वाला मनोकामना था सब अब लगता है ब्याह में ही पूरा होगा। काहे कि दोस्त लोग तो फोटो लेते नहीं। अब थोड़ा बहुत आप लोग भी गीत सुन लीजिए ब्याह का। तो अभी हम लोग उधर से तिलक तक के आ गए, अब जा रहे छत पे तो वहाँ दिखाते हैं। गाइस तो हम मिलवाते हैं किसके शादी में आए थे, ये मेरे भैया इन्हीं के शादी में आए थे और आज इन्हीं का तिलक था। तो आप लोग भैया को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कीजिए और बहुत सारा बधाई दीजिए और लाइक एंड शेयर भी कीजिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर में दिखाते हैं क्या क्या होता है नहीं होता है, इसके बाद फिर खाना खाने जाएंगे, फिर वो दिखाएंगे, इसके बाद मटकोर होगा फिर वो दिखाएंगे। तो वो तिलक चढ़ गया था, यहाँ पे पेस्की पड़ रहा था, पता नहीं वो पेस्की पड़ रहा था कि ये पेस्की पड़ रहा था, हमको भी नहीं पता। तो देखिए आप लोग भी जो जो दिखाते हैं। इधर हमारे कैमरा मैन है बहुत सारे, इधर गीत गवा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस कितना सारा कैमरा मैन लेकर एकदम कैमरा तैयार है कि सर इधर देखिए इधर देखिए, और बहुत अच्छा लगता है भाई, अंदर से हमको इतना खुशी हो रहा था। और यहाँ पे शायद पेस्की पड़ रहा था, क्या पड़ रहा था, जो भी पड़ रहा था या तिलक चढ़ रहा था हमको नहीं पता, बट 2 बार होता है, 1 बार जो जहाँ पे दिखा है वहाँ पे और 1 हम लोग का छत पे यहाँ हो रहा था। ये भी होता है ना कि हर गाँव का अपना अलग अलग रस्म होता है, तो हमको भी नहीं पता। और ऊपर से हम शादी बहुत कम देखे, मतलब लाइफ में लड़की का तो हमको ध्यान भी नहीं है कि लड़की का लास्ट शादी देखे कब थे। तो यहाँ पे भी कुछ हो ही रहा था, पेस्की पड़ रहा था, अब जो भी मान लीजिए कुछ कुछ पड़ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सब बैठ के देख रहे थे, तो हम लोग इधर साइड थे और हम लोग के जस्ट सामने तिलक में जो जो लोग आए हुए थे वो लोग थे, और ऊपर से कैमरा मैन ऊपर से ड्रोन चला रहा था। और जितना सबको गर्मी लग रहा था ना, वो ड्रोन के हवा से सबको एकदम मियाज ठंडा गया था, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा था, मन तो कर रहा था कि बार बार मेरे ही ऊपर चढ़े, भाई बहुत हवा देता है। जो जो कैमरा मैन होगा उन लोग को एक फायदा होता होगा कि जिसके यहाँ लाइट कटता होगा मस्त उन लोग ड्रोन चलाता होगा, ड्रोन चला के एकदम हवा लेता होगा। और ऊपर से लस्सी वस्सी भी आ रहा था पीने के लिए, एकदम मजा आ जा रहा था पी के, क्या बताएं।
तिलक तो हो गया लेकिन बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन मटकोर भी रात में ही होगा। गोपाल जी खाए में लगे ले, आप लोग भी हेलो शादी का पैकेट खा लीजिए, है ना? हम थक गए बेटा, हम ना खबाओ काली तो पियेंगे। तो गाइस इतना ज्यादा थक गए, मतलब 11 बज रहा पूरे, एक तो सुबह 6 बजे से उठे हुए थे, इतना ज्यादा थक गए। थक अभी मटकोर होना बाकी है, पता नहीं क्या होगा मेरा तो। देखते हैं गाइस, ऊपर ना चल रहा, नीचे खड़ा। ठीक है गाइस, अभी खाना खाएंगे फिर मटकोर होगा। जो जो विधि विवाह होता है आप लोग देखिए, क्योंकि आप लोग के भी ब्याह में ही काम देगा। ठीक गाइस, यहाँ पे तिलक तो समाप्त हो गया है, अब जाएगा खाना खाने। कोची कोची खाए लगे हो बताओ? भात दाल है रे, झूठ बोल मी। साचे का भात दाल ना है? छेना, पानी पूरी, आइसक्रीम, झूठो बोला ही खा के। तो भात दाल कहाँ, भात दाल मिली थे है ना, भात दाल मिलता है। ठीक है गाइस, तो जा रहे खाना खाने हम लोग। देखिए खाने में क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है। गोपाल जी का दाल भात है, लेकिन दाल भात नहीं है, हम आपको दिखाते हैं। चलो चल गोपाल जी खाए। तो जा रहे अब गाइस हम लोग खाना खाने। बोलो कि जा रहे खाना खाने। यस दोस्तों, तो जा रहे खाना खाने और आइसक्रीम भी देते हैं, दिखाते हैं सब कुछ। तो ये हम लोग खाना खाने आ गए थे, लेकिन आज बिल्कुल ही नहीं खा पाए थे। और यही पटना रहते हैं तो लगता है कि भाई काश ऐसा खाना मिल जाता और मिल जाता, और आज खाने को मिला तो मन ही भरा हुआ था। सब यहाँ पे खाली आइसक्रीम खाने में लगा हुआ है और ये लोग खाना नहीं खा रहे। गाइस तो यहाँ पे रस घरा घरा के मम्मी मार लपा लप खाई ले। तो खाए खाए इन तक कोची कहे कि ना खाए थे, तो लपालप तो रसवा गौर के खाए ले। ये सब तेज आदमी के चिन्हासी है। रसवा नीचे गा रही मम्मी। तो यहाँ पे हमारा छेना पार्टी चल रहा है गाइस। इधर मम्मी केकरा लगी रख लही, तू पहले रसवा गार गार के खो ना, तो दूसरा के टेंशन कोची ले ले। पापा है सो सब देखती हूँ। और ये छेना है, और ये छेना खाने वाले हैं सब। कौन कहता है औरत कम खाती है, मम्मी कैमरा देख लीजिए गाइस। इन लोग खाता नहीं है, इन लोग ऐसे ही बैठा हुआ है, और हम भी बैठे हुए हैं। पूरा सध गया है। तो अब हम लोग का तिलक यही होता समाप्त, अब मटकोर होगा। अगर टाइम मिलता है तो मटकोर का रिकॉर्डिंग होगा, नहीं तो जैसा होगा वैसा बताएंगे। तो गाइज हम लोग आ गए ऊपर, और इतना थक गए थे कि क्या बताएं। गोपाल जी आज पता चला हमको कि पुलाव डाल के कह रहा था कि दाल भात बनने। तो तिलक हमारा होता है समाप्त, और हम लोग छत पे ही आ गए थोड़ा सा लेटने के लिए, है ना गोपाल जी? तो ये ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म, और सेकंड ब्लॉग भी शुरुआत होता है यहीं से, क्योंकि हम लोग मटकोर देखने जाने वाले हैं, और मटकोर भी जल्दी ही होने वाला है, बस 10-15 मिनट में। मट्टी कोड़ा हाउ चल मी। हाँ। मट्टी कोड़ा है तो मट्टी लेके जा के रहा हो। हाँ, तो मटकोर ये सब क्या होता है, तो हम लोग जाएंगे गाइस मटकोर देखने। हाँ, जिसका जिसका शादी रहता है ना उसके उसका रहता है। और अपना झुमका खोल दिल गोपाल जी, तुम करमा तू खाई था लो छेद करल के ले हेल झुमका पहनावे ला सुई से आर पार। गोपाल जी का क्वेश्चन था कि छेद का लगे करल गेल फुआ। तो ठीक है गाइस, बड़ी अच्छा दिन रहा था। अब हम मिलते हैं मटकोर के टाइम। मटकोर के टाइम में सुझे ना, हम तो कोशिश करो कि ना सुतबो। फिर मिलते हैं, तुम कोशिश करें कि ना सोते हैं। हां हां, हम कोशिश करते हैं ना सुतबे, हम नींद ना आवे। हम जाने के बजे सोता है 11 बजे। हां 12 बजे सोता हूं। 12 बजे तो 12:30 हो गए लो, और अभी हो भी रहा है 12:30। तो 1 बजे से मटकोर स्टार्ट होगा, सेकंड ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट होता है मटकोर होते हुए। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए।